गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रत्न नगर का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको BM या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय, ये अध्याय चल रहा है। कल हमने बीमा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था, उसके प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य, इनको अपने टॉपिक के रूप में पढ़ा था। हमने प्राथमिक उद्देश्य में जो पहला उद्देश्य है, जोखिम के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना, तो बीमा का मूलभूत उद्देश्य बीमित को, बीमित यानी जिसने बीमा लिया है, और बीमाकर्ता कौन होता है, वह कंपनी या वह व्यक्ति या वह संस्था जो बीमित को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति प्रीमियम लेकर उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान है वो करती है। तो बीमा का मूलभूत उद्देश्य बीमित की जोखिम को कम करना और हानियों की अनिश्चितता को कम करना। और हमारे जीवन में आपको पता है, हमारे चाहे जीवन हो चाहे व्यवसाय, वो सब के सब जोखिम से, खतरों से, संकट से घिरे रहते हैं। इनमें से कुछ जोखिम जो हमारे जोखिम है, उनको एक निश्चित प्रीमियम की राशि के देकर जो है, इसमें एक निश्चित राशि है वो प्रीमियम के रूप में देकर जो बीमित है वो अपने जोखिम का हस्तांतरण है वो बीमाकर्ता को कर देता। तो बीमित है यानी कि जिसने बीमा लिया है, और बीमाकर्ता जिसने जोखिम के विरुद्ध प्रीमियम के बदले सुरक्षा का वचन दिया है। तो इसमें कुछ जोखिम एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में देकर बीमाकर्ता को स्थानांतरित करते हैं। ध्यान रहे, बीमा के द्वारा किसी व्यक्ति के जोखिम को कम तो किया जा सकता है। जोखिम आपको पता है, जोखिम निश्चित है, किंतु उसके जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में बीमा बीमित को क्या करता है, बीमा क्या है, बीमित की जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित करने की विधि का नाम है। वास्तव में बीमा क्या है, बीमित के जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित करने की विधि या विधा का नाम है। बीमाकर्ता बीमित को विश्वास दिलाता है कि यदि उसे किसी प्रकार की हानि होगी तो उसका भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसी निश्चितता प्रदान करने के लिए ही बीमाकर्ता प्रीमियम वसूल करता है। तो यह बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में क्या है, वास्तव में बीमा क्या है, बीमित के जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित करने की विधा का नाम। तो बीमा क्या है, बीमा वास्तव में जो बीमित जिसने बीमा लिया है, बीमित के जोखिम, जो भी उसका नुकसान होता है, घाटा होता है, हानि होती है, उस जोखिम को बीमाकर्ता को हस्तांतरित स्थानांतरित करने की विधा का नाम है। स्थानांतरित करने की विधा का नाम है, विधा का नाम है। वास्तव में बीमा क्या है, बीमित जिसने बीमा लिया है, उसके जो भी जोखिम है, घाटा या हानि हो सकती है, उस जोखिम, घाटे या हानि को बीमाकर्ता को वह प्रीमियम के बदले स्थानांतरित कर देता है। तो बीमित कौन होता है, जिसने बीमा लिया है, और बीमाकर्ता कौन होता है, जो प्रीमियम के बदले जोखिम का स्थानांतरण है वो अपने ऊपर लेता है और क्षतिपूर्ति का वचन देता है। तो बीमित के जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित करने की विधा का नाम ही बीमा है। बीमा क्या है, बीमित का जो भी जोखिम है, संकट है, हानि है, उसे वह प्रीमियम के बदले बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर देता है, और बीमाकर्ता उसे क्षतिपूर्ति का वचन है वो देता है, उसी का नाम क्या है, बीमा। तो जैसा आपको मैंने बताया है, तो क्या है, इसमें जोखिम को केवल
बीमा है वो बीमित के जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित करने की विधि का नाम है। बीमाकर्ता बीमित को विश्वास दिलाता है कि यदि उसे किसी प्रकार की हानि होगी उसका भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसी निश्चितता प्रदान करने के लिए ही बीमाकर्ता प्रीमियम वसूल करता है। इसे ऐसी निश्चितता प्रदान करने के लिए क्या करता है, बीमाकर्ता बीमित से प्रीमियम लेता है या वसूल करता है। सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी देना। बीमा का उद्देश्य क्या होता है, उसे बीमित को होने वाली आर्थिक हानि जोखिम संकट के में उसको सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके द्वारा किसी कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी हानि के अवसर के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। हानि का समय और राशि अनिश्चित होती है। बीमा जोखिम को नहीं तो रोक सकता है। बीमा जोखिम को घटने से, हानि को घटने से, एक्सीडेंट को घटने से तो रोक नहीं सकता है, लेकिन उस हानि के होने पर जो उसका नुकसान हुआ है उसे क्षतिपूर्ति जरूर कर सकता है। बीमा के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी चल अचल संपत्ति, अपनी राशि, मकान, फर्नीचर, मूल्यवान वस्तुएं, धनराशि, अग्नि, चोरी, डकैती से बीमा करवाकर उसे सुरक्षित रह सकता है। तो बीमा के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का, अपने चल अचल संपत्ति का, अपने गहनों का, अपनी संपत्ति का, अपनी राशि का, अपनी घर का, मकान का, गाड़ी का, खेत का, सभी का बीमा करवा सकता है। फर्नीचर का, मूल्यवान वस्तुओं का आदि का, चोरी होने पर, डकैती होने पर जो नुकसान होता है उससे बीमा करवाकर बीमित है वो पूर्ण रूप से निश्चित हो जाता है, क्योंकि वह जोखिम का स्थानांतरण है वो बीमाकर्ता को कर देता है। इसी प्रकार उद्योगपति और व्यवसायी भी क्या करते हैं, अपने माल का, मशीन, कर्मचारी आदि सभी का बीमा कराते हैं। उद्योगपति व्यापारी भी क्या करते हैं, अपने कीमती माल, सामान, मशीनों का, अपने श्रमिकों का, अपने कर्मचारियों का बीमा करवाकर या बीमाकर्ता से बीमा करवाकर जो जोखिम है उसका स्थानांतरित बीमाकर्ता को कर देता है। जोखिम का विभाजन या फैलाव करना। निसंदेह आपदा या जोखिम तो बीमित को वहन करनी पड़ेगी, परंतु उसमें उत्पन्न होने वाली जो आर्थिक हानि है, आपदा या जोखिम है वो तो बेचारे बीमित को वहन करनी पड़ेगी, लेकिन जो उत्पन्न होने वाली हानि होगी वो उन लोगों में विभाजित की जा सकती है जो ऐसी हानियों से सुरक्षा चाहती है, जो इसे हानियों से सुरक्षित चाहती है। इसलिए सर विलियम बीवरेज ने लिखा है, सर विलियम बीवरेज की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। मोनिका, पूजा, प्रेरणा, सत्यदेव, सतबीर, बुराणिया, ये सुन रहे हो ना आप, तो सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। सामूहिक रूप से जोखिम को उठाना ही क्या है, बीमा कहलाता है। सामूहिक रूप से एक सबके लिए और सब एक के लिए, तो सामूहिकता का सिद्धांत है, सहकारिता का सिद्धांत है। इसलिए विलियम बीवरेज की जो परिभाषा है कि बीमा है वो सामूहिक रूप से जोखिम उठाने की विधा का नाम है। तो सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, सामूहिक रूप से जोखिम का वहन करना ही बीमा है। यह जोखिम निसंदेह आपदा या जोखिम तो बीमित के जीवन खुद को वहन करनी पड़ेगी, लेकिन जोखिम से जो हानि होने वाली हानि है वो उन लोगों में विभाजित कर दी जाती है जो जोखिम से सुरक्षा चाहते हैं, जो हानि से सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए विलियम बीवरेज क्या कहते हैं कि सामूहिक रूप से सब साथ मिलकर एक सब के लिए और सब एक के लिए, सबके जो बीमित है, सारे बीमित हैं, लाखों और करोड़ों बीमित हैं, उनके छोटे छोटे एक रुपये से लेकर छोटा छोटा जो अंशदान है, उस अंशदान से लाखों करोड़ों रुपये एकत्रित हो जाती है और उस व्यक्ति को पर्याप्त आर्थिक सहायता या बीमित को आर्थिक सहायता मिल जाती है जिसका नुकसान हुआ है। बीमा के अंतर्गत प्रीमियम के बदले जो जोखिम है उसका हस्तांतरण बीमाकर्ता को कर दिया जाता है। बीमा के अंतर्गत समान रूप से जोखिम से घिरे व्यक्ति प्रीमियम के रूप में एक कोष का निर्माण करते हैं। समान रूप से जो जोखिम उसमें घिरे हुए व्यक्ति एक कोष का निर्माण करते हैं और यदि किसी सदस्य को हानि हो जाए तो उस कोष से ही क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार बीमा में एक व्यक्ति की हानि अनेक लोगों में बांट दी जाती है और अनेक लोगों के पास उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनको मात्र एक रुपये से किसी बीमित की लाखों रुपये की सहायता हो रही है। जोखिम का मूल्यांकन करना। बीमा क्या करता है, बीमा बीमित के जोखिम का मूल्यांकन करता है कि कितना घाटा हुआ है। हम जोखिम को या जोखिम की संभावना को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन जोखिम का मूल्यांकन करके उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। बीमाकर्ता कई घटकों पर विचार करके हानि की
संभावनाओं को आंकता, बीमाकर्ता कई घटकों पर विचार करके हानि की संभावना को देखता है कि हानि कितनी हुई है, हानि कितनी वास्तविक हानि कितनी है, उसके अनुसार जो जोखिम से सुरक्षा चाहते हैं जो सभी बीमित हैं उनके अंशदान से एक अंश कोष का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा उस बीमित को आर्थिक हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति की जाती है। जोखिम की मात्रा के अनुसार ही प्रीमियम की राशि तय की जाती है। यदि जोखिम की मात्रा ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, प्रीमियम यानी कि किस्त की राशि ज़्यादा होगी। अगर यदि जोखिम कम है तो जोखिम यदि कम है तो प्रीमियम की राशि कम होगी। यदि किसी व्यक्ति का 2 लाख का बीमा है तो प्रीमियम की राशि बहुत कम होगी, कुछ हज़ार में होगी, जबकि अगर लाखों रुपये का या 25-30 लाख का उसने बीमा करवा रखा है तो प्रीमियम की राशि भी कम से कम 20-25 हज़ार रुपये वार्षिक हो सकती है। अनुसंधान करना, तो बीमा का उद्देश्य बीमा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करना, बीमा के नए नए क्षेत्रों को खोजना है ताकि बीमित को होने वाले आवश्यक परिवर्तनों में उसको आर्थिक सुरक्षा मिल सके। तो बीमा का उद्देश्य अनुसंधान करना ताकि ग्राहकों को आवश्यकता के अनुसार अपनी बीमा योजना में बीमाकर्ता परिवर्तन कर सके। बीमाकर्ता हानियों के कारण अनुसंधान पर ध्यान देकर भावी हानियों को रोकने के लिए प्रयत्नशील रहता है। बीमा का उद्देश्य क्या है बेटा? तो बीमा का उद्देश्य अनुसंधान करना, बीमा का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में अनुसंधान करना है ताकि जो बीमित को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार जो भी उसको हानि हो सके या उसको नुकसान हो सके उनके अनुसार परिवर्तन करते हुए ऐसी बीमा पॉलिसी लाई जाए जिससे कि जो बीमित है उसको लाभ पहुंचे। बीमाकर्ता हानियों के कारण अनुसंधान पर ध्यान देकर भावी हानियों को रोकने के लिए प्रयत्नशील रहता है और उसके बारे में पॉलिसी या बीमा है वो जारी करता है। ये अनुसंधान करना दो बार आ गया पॉइंट है। अब है सहायक कार्य। सहायक कार्य क्या है बीमा का? सहायक कार्य क्या है जो प्राथमिक कार्य से अलग होता है? बीमा का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति को, बीमित को हानियों से सुरक्षित रखना, हानियों को कम करना, हानियों को कम करने के उपायों से बीमित को अवगत कराना और हानियों से